नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका अपना सिटी में। दोस्तों, इंडियन रेलवे से अभी अभी की बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। दोस्तों, इंडियन रेलवे 5 और नई ट्रेनों को हरी झंडी दे दी है। भागलपुर से दिल्ली के लिए कौन कौन से नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है, सभी ट्रेनों के नाम और नंबर आपको बताने वाला हूं, और ये ट्रेनें कहां से कहां तक चलेंगी ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, रेलवे ने दिवाली और छठ में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों चलाने का फैसला किया है। ट्रेन नंबर 04456 आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर, ये ट्रेनें 17 नवंबर से चलेंगी। उसी तरह ट्रेन नंबर 04455 भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल, ये ट्रेनें 15 नवंबर और 19 नवंबर से चलेंगी। उसी तरह ट्रेन नंबर 04472 आनंद विहार टर्मिनल से 18 नवंबर को गुरुवार और मंगलवार को चलेंगी। उसी तरह ट्रेन नंबर 04471 भागलपुर से 16 नवंबर और 19 नवंबर को चलेंगी। दोस्तों, ट्रेनों का परिचालन भले ही नियमित नहीं हुआ, लेकिन रेलवे ने पूजा स्पेशल के नाम पर भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए 5 जोड़ी ट्रेनें चला रही है। शनिवार को भागलपुर से आनंद विहार के लिए दो दो पूजा स्पेशल आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना हुई। दिवाली होने की वजह से एसी क्लास से लेकर स्लीपर क्लास में सैकड़ों सीटें खाली रह गई। पर्व की वजह से भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली यात्रियों की संख्या काफी कम रही। दोस्तों, आपको बता दें, पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के लिए अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन परिचालन संबंधी तैयारियों पर मंथन चल रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर से परिचालन शुरू हो सकती है। पैसेंजर ट्रेनें चली तो साहिबगंज क्यूल सेक्शन में यात्रा में सहूलियत होगी। वर्तमान में डेमू ट्रेन चल रही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।